गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हो आप सब? आज है संडे, तो संडे को तो सब बहुत ही अलग काम होता है। सभी लोग बहुत सारे काम सोच के रखते हैं संडे के लिए, खासकर कपड़े। तो अभी तो हम उठे हैं, सिर्फ चाय पी है और अब हम अपना अपना काम पकड़ेंगे। मैं किचन का काम पकड़ूंगी और बड़ा बेटू मेरा ऊपर चला गया झाड़ू वाड़ू लगाने। सबसे पहले वो ऊपर सफाई करता है। और ये रहा मेरा बाबू। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ, और मेरा बाबू अब सारे कपड़े इकट्ठे करेगा, चद्दर अद्दर सब, क्योंकि मेरा बाबू जा रहा है कपड़े धुलने। तो ये देखो, अब मेरे घर में सब अपना अपना काम पकड़ लेते हैं, सभी लोग एक साथ मिलके काम करवा लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चे मेरे पढ़ाई करने चले जाते हैं। तो अब मैं करती हूँ काम, फिर बाद में मिलती हूँ गाइस। ये देखो मेरा बाबू कपड़े भी समेटता चला जा रहा है और अपनी मियाँ भी चला रहा है। इतनी बातचीत करेगा ये काम करते करते, क्योंकि आज है संडे तो मेरे बाबू के पास आज ही का टाइम है। तो इसमें बातचीत भी करेगा, काम भी करेगा। लेकिन एक बात तो सच है कि मेरा लाड़े साहब काम अच्छे से कर लेता है। कन्हैया मेरा प्यारा सा, मेरा बंसी वाला, ये देखिए गाइस कितना खेल करेगा। ये खेल कर करके कपड़े समेटेगा। देखो बांध ली है पोटली। हे मेरे बाबू, मैं भी जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा इनका सब सिस्टम लगवा के आती हूँ, फिर मैं किचन में घुस जाऊंगी। ये देखिए बाबू मशीन ले जा रहा है। मेरा बाबू जितने भी काम करता है खेल कर करके। ये है बड़े बेटू, ये देखिए सब सामान समेट रहे हैं, सारा सामान एक साथ समेट के सफाई में लगे हैं मेरे बड़े बेटू। मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। चलो सबने अपना अपना काम पकड़ लिया है, तो मैं भी अपना काम पकड़ लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में, अब मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि मेरा काम थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा लंबा चलेगा भाई। तो मैं अब सबसे पहले अब मैं जा रही हूँ किचन में, बाद में मिलती हूँ गाइस। अभी हमारा काम हो रहा है, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ और एक तरफ मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिए हैं। ये रहे, आज मैं सिर्फ दाल चावल बना रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आज काम बहुत है। तो मैं फटाफट दाल चावल बना लेती हूँ, बाद में देखूँगी मुझे क्या करना है। गाइस बहुत काम है आज, संडे है। बाबू ने कपड़े धुल दिए हैं, तो मैं कपड़े फटाफट डालने आ गई हूँ। एक तरह मेरा खाना भी बन रहा है, एक तरह मैंने सोचा मैं बाबू की थोड़ी हेल्प करा के आती हूँ। कपड़े थोड़ी ज़्यादा हैं। अब हमारा सारा काम हो के और मैं अपने बाबू के कमरे में आ गई हूँ। ये रहा हमारा बाबू, पढ़ाई कर रहा है। वो रहा मेरा बड़ा बाबू, कहाँ है? ये रहा ड्राइंग कर रहा है आज इसका। मेरे बाबू का मन हो गया ड्राइंग करने का। और मेरा बाबू देखो, ये मुझे लगा गया चश्मा। ये मेरे बाबू का ही चश्मा है, पढ़ते टाइम लगाता है मेरा लाड साहब। और मैं सब काम करके फ्री हो गई हूँ। मैंने देखो ड्रेस व्रेस भी बदल ली है, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, 2 से 3 घंटे। देखिए गाइस, इस समय ये फ्री हैं, कोचिंग पढ़ा चुके हैं और ये एकदम फ्री हैं। तो ये देखो लेटे कैसे, क्या कहें अब हम इनसे। इनको मैं मना कर रही हूँ टाइम मत चलाओ। और अब अगर इनने 1-2 मिनट में बंद नहीं किया तो अब यही जाने कि इनकी कितनी डांट पड़ेगी। और इन्हें अच्छे से पता है कि मेरी बहुत डांट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। ये देखो इधर करो मुइयां। देखो गाइस, ये हमारे स्वीटो हैं बड़े वाले, इसीलिए मैं इनके कमरे में दिन में 3-4 बार आती हूँ और बैठती भी हूँ इसीलिए।
क्योंकि मैं टैब है फोन ऑन बहुत कम चलाने देती हूँ बच्चों को। जितना फोन चलाऊंगी सिर्फ मैं इस घर में सिर्फ मैं फोन चलाती हूँ सबसे ज़्यादा, और मैं किसी को भी चलाने नहीं दूंगी। देती हूँ बच्चों को तो बिल्कुल नहीं चलाने देती हूँ, सिर्फ मैं चलाती हूँ जितना भी। अब मैं जा रही हूँ नीचे, खाना वाना देखूँगी जाके। शाम हो गई है, शाम को कितने बज गए होंगे बेबी? साढ़े छः बज गए। और इनको भी देखिए, पकड़ के ले जा रही हूँ मेरी बड़ी छूटो को। ये मम्मी की बड़ी छूटो है। अब ये ऊपर आएंगी अपने कमरे में खाना वाना खा के, है ना? खाना वाना खा के आएंगी। देखिए हमारा बेटू ड्राइंग कर रहा है और ये दीवार पे कर रहा है, अभी शुरू की है तो ये थोड़ी ड्राइंग बहुत बड़ी है तो इसमें बहुत देर लगेगी, अभी तो शुरुआत है। अब मेरा बाबू कलर करने लगा है पेंटिंग पे, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कलर कर रहा है पेंटिंग पे और बहुत बड़ी बनाई है। अभी जब पूरी बनके तैयार होगी, ये है हमारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी जी मुइयां। अभी हमारी बेबी की ड्राइंग बन रही है और इतनी बन के तैयार हो पाई है क्योंकि बहुत बड़ी है। और मैं अपने बेटू के लिए चाय बना के लाई हूँ क्योंकि मेरा बेटू अब थक गया होगा तो थोड़ी देर रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर बनाएगा, है ना? यही चाय। देखिए अब मेरे बेटू की ड्राइंग पूरी हो गई है पेंटिंग, और ये इस तरह की बनाई है मेरे बेटू ने। और मेरे बेटू की पेंटिंग कैसी लग रही है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।